ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप अनप का दोस्त और बाजार इनसाइट के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 28 दिसंबर के लिए चार इंटरडे स्टॉक्स, लो प्राइस चार इंटरडे स्टॉक। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहां पर मैं अभी से मतलब कुछ दिनों से यहाँ पर जो स्टॉक्स दे रहा हूँ उसका प्राइसेस लो है, ताकि जिनके पास कैपिटल थोड़ा कम है वो अच्छा खासा क्वांटिटी लेके ट्रेड कर पाए। तो पहले बात तो ये है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया जहाँ पर हम लोग स्टॉक्स का जो CEP होता है यानी कि स्टॉक्स का जो कॉल पुट ऑप्शन होता है उसके बाई साइड में इंट्राडे में काम करते हैं। लाइव मार्केट में व्हाट्सअप सपोर्ट के दौरान मैं ये बताता हूँ किस दिन कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है, किस रेट पर, पूरा वॉच लिस्ट मैं दे देता हूँ। और उसके बाद जब उसको लेना होता है वहाँ पर मैं मैसेज डालता हूँ, उसके बाद जब एग्जिट होना होता है वहाँ पर मैं मैसेज डालता हूँ। पूरा लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिलेगा और इसके अंदर स्टॉक्स का जो कॉल पुट ऑप्शन होता है उसके अंदर बाय साइड में काम करने को मिलेगा। तो इसके मेंटरशिप प्रोग्राम का छोटा सा फीस है 799 पर मंथ। तो अगर आपको जुड़ना है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। चल पड़ते हैं आज के वीडियो के ऊपर और कल के लिए जो फास्ट स्टॉक रहेगा उसको देख लेते हैं। वो रहेगा एक हम लोगों का पावर सेक्टर स्टॉक NTPC लिमिटेड के अंदर। और NTPC के अंदर आज जिस तरह से मार्केट के अंदर ऊपर मूवमेंट हुआ लेकिन ये पूरा साइडवेज था, मैक्सिमम स्टॉक्स ही ऐसा परफॉर्म किया, फिर भी मतलब निफ्टी ऊपर गया, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसा था कि वो साइडवेज काम किया। तो NTPC के अंदर अब ये पूरा लेवल का रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है और इसका 62% आ रहा है 123। उसके ऊपर जाके एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग देगा वहां से उसको हम लोग बाय कर सकते हैं। लेवल मैंने कैश का स्क्रीन पे दे ही दिया है और 123% का जो लेवल है मतलब 120.5, उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देगा तो वहां से शॉर्ट सेल करेंगे, उसका भी कैश का लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। एक बात यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों, यहां पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते हैं। चार्ट खोल के मैं आपके सामने उसको एनालिसिस करता हूं, उसके बाद मेरा एक व्यू रहता है वो आपके साथ शेयर करता हूं। आप उस व्यू को लेकर किस तरह से काम करें वो टोटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर किसी भी तरह का मैं रिकमेंड आप लोगों को नहीं कर रहा हूं, सारी चीजें एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस होता है, ठीक है। चल पड़ते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टॉक के अंदर, लेकिन उसके पहले कल मैंने जो चार स्टॉक दिया था उसको रिव्यू कर देते हैं। तो कल के लिए कल मैंने जो फास्ट दिया था ITC के अंदर कोई भी लेवल हम लोगों का एक्टिवेशन इवेंट नेदर बाई नॉर सेल, कोई भी लेवल यहां पर एक्टिवेशन नहीं हुआ था। सेकेंड जो था IOC उसके अंदर भी सेम कोई भी लेवल एक्टिवेशन नहीं हुआ था। थर्ड जो था टाटा मोटर्स DVR उसके अंदर भी कोई भी बाइंग सेलिंग कोई भी लेवल एक्टिवेशन नहीं हुआ था। लास्ट में जो था हम लोगों का Hindalco उसके अंदर हम लोगों का सेलिंग लेवल यहां पर एक्टिवेशन हुआ था, उसके बाद हम लोगों का बढ़िया टारगेट हिट हुआ। और मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने अपडेट दे दिया था लास्ट में कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करता वहां पर होना आपका जरूरी है, वहां पर अलग से कोई व्यू नहीं दिया जाते हैं, लेकिन यहां पर मैं जो चार व्यू देता हूं उसका कोई भी अपडेट आता है तो पहले वहां पर मैं पोस्ट करता हूं, तो वहां पर होना आपका जरूरी है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दिया हूं, वहां पर जाके उसके अंदर जरूर ज्वाइन कर जाइए ताकि आप इसको फॉलो कर पाए। चल पड़ते हैं सेकंड व्यू के ऊपर और उसके पहले आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर डेली बेसिस इतना सारे चार स्टॉक इसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करता हूं, उसको पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। सेकेंड जो व्यू रहेगा कल के लिए रहेगा एक बैंकिंग सेक्टर स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आज हम लोगों ने देखा अप ट्रेंड मूव, जिस तरह से बैंक निफ्टी परफॉर्म किया बैंक ऑफ बड़ौदा भी बढ़िया परफॉर्म किया। अब इसका जो स्विंग लो टॉप जो बना था यहाँ पर ये बढ़िया ये एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर 81 के आसपास, तो 81 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से उसको वहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। कैश का लेवल स्क्रीन पर मैंने दे दिया हूँ और जो आज का लो था 77 उसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल अगर जाते हैं और क्लोजिंग देते हैं वहां से उसको शॉर्ट सेल करेंगे, कैश का लेवल मैंने दे दिया हूं, अपने अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से काम कीजिए। थर्ड व्यू में चलेंगे, उसके पहले स्क्रीन पे देखिए मेरा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जो कैश सेगमेंट के अंदर जो दोस्त काम करना चाहते हैं मैं लाइव मार्केट सपोर्ट वहाँ पर देता हूँ, उसके साथ एक मेंबर स्पेशल एपिसोड आता है अलग से दो स्टॉक को लेके। तो डेली बेसिस 3 से 4 अलग से स्टॉक वहाँ पर आपको मिलेगा,
तो ये एक लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिलेगा, और अगर आपको लगे कि मेरे से आपको सपोर्ट का ज़रूरत है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा फीस है $4.99 per month, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन। तो अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन के ऊपर इंट्राडे में काम करना है, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। ये भी लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिलेगा, और इसका छोटा सा फीस है $5.99 per month। तो अगर आपको जोड़ना है व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मैंने दे दिया। चल पड़ते हैं आज का जो थर्ड जो व्यू रहेगा उसको देख लेते हैं। और थर्ड जो व्यू रहेगा एक हम लोगों का मेटल सेक्टर स्टॉक जिंदाल स्टील एंड पावर के अंदर रहेगा। और जिंदाल स्टील के अंदर आज हम लोगों ने देखा दोबारा फ्लैट कारोबार हुआ, और इसके अंदर बहुत दिनों से ये जो लेग बनाया था ऊपर से नीचे, और ये इसका 62-50% के बीच में ही काम कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन ये एरिया अगर दोबारा ब्रेक करते हैं 62% का, 386 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ से उसको हम लोग बाय जरूर करेंगे, और उसके ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से बाय करेंगे। बाइंग का लेवल कैश का मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, और इसका जो 38% अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं 376, उसको वहाँ से हम लोगों को शॉर्ट सेल करना पड़ेगा। उसका भी कैश का लेवल स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूँ, तो 376 से नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से शॉर्ट सेल करना है जिंदा स्टील एंड पावर को। तो दोनों ही लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। फोर्थ बी में चलेंगे, उसके पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इतना मेहनत करके डेली बेसिस आप लोगों के लिए वीडियो लेके मैं आता हूँ, थोड़ा मुझे मोटिवेट कीजिए, और कुछ नहीं, थोड़ा वीडियो को लाइक करने को बोल रहा हूँ, थोड़ा लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। नीचे लाइक बटन है, फ्री है, उसको प्रेस करने से आपको अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं कटेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। तो थोड़ा लाइक कीजिए वीडियो को, कोशिश कीजिए लाइक करने का ज़्यादा से ज़्यादा। 150 मैंने टारगेट रखा है, अगर आपको लगे कि ये वर्थ है तो आप थोड़ा लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट करके जाइए, कुछ सजेशन हो दे सकते हैं, कोई भी आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, कुछ भी बोलना है बोल सकते हैं, और लेकिन कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और आप सजेशन ज़रूर दे सकते हैं इस प्रोग्राम को और भी कितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा। तो कोशिश कीजिए यहाँ पर सजेशन देने का और कमेंट करने का, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ व्यू में चल पड़ते हैं, और रहेगा हम लोगों का एक सर्विस सेक्टर स्टॉक इंडियन होटल, होटल एंड सर्विस सेक्टर स्टॉक है ये, और इसके अंदर भी आज हम लोगों ने देखा बराबर, मतलब थोड़ा ऊपर ट्रेंड हम लोगों ने देखा, फास्ट कैंडल से ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा फ्लैट था, लेकिन लास्ट में जाके दोबारा ऊपर क्लोजिंग दिया। अब ये इसका 181 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर कल फास्ट आवर में ब्रेक कर जाते हैं तो हम लोग ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। तो 181 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग देने से उसको हम लोग वहाँ से बाय करेंगे। इंडियन होटल का बाइंग का कैश लेवल मैं स्क्रीन पे दे दिया हूँ, और सेलिंग का भी 175, उसके नीचे से सेल करेंगे। दोनों का ही लेवल मैंने स्क्रीन पे दे दिया हूँ, अपने अपने रिस्क को देखिए, उसके हिसाब से काम करते रहिए। और एक बात दोस्तों, मैं एंड स्क्रीन में बहुत दो इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ, मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग कोर्स है उसका एक डेमो वीडियो, और उसके साथ और एक वीडियो मैं जोड़ रहा हूँ जो कि है ऑप्शन ट्रेडिंग का डेमो वीडियो। तो दोनों का ही फास्ट क्लास डेमो वीडियो, वहाँ पर आपको फुल क्लास मिलेगा, तो उसको जाके देख लेना, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।